राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है परिवहन और संचार के जाल। संचार तंत्र। संचार के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक व्यक्तिगत संचार तंत्र तथा दो जन संचार तंत्र। व्यक्तिगत संचार डाक सेवा द्वारा तथा कंप्यूटर समर्थित दूर संचार द्वारा संपन्न होता है। ये आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के तीव्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तंत्र के द्वारा इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से सारे संसार से अपेक्षाकृत कम लागत पर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दस्तावेजों को तीव्र गति और सस्ते में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। जन संचार के लिए अखबार और पत्र पत्रिकाएं जैसे मुद्रण माध्यम तथा रेडियो और दूरदर्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में जन संचार तंत्र सूचना और शिक्षा प्रदान करके लोगों में राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता पैदा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में सूचना और प्रसारण के विकास तथा नियमन के लिए जिम्मेदार है। प्रसार भारती भारत का स्वायत्त प्रसारण निगम है। इसका गठन 1997 में किया गया था। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। ये निगम अब देश में संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नियंत्रण करता है। आकाशवाणी। देश में रेडियो जन संचार का सशक्त माध्यम है। भारत में सन 1927 में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ। इसके लिए मुंबई और कोलकाता में दो निजी ट्रांसमीटर लगाए गए थे। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR नाम दिया गया। इसे आकाशवाणी भी कहते हैं। ये स्टेशन और प्रसारण केंद्र देश की 99% जनसंख्या तथा देश के 90% क्षेत्र को प्रसारण सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र में 100 FM रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से संबंधित विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। सूचना का प्रसारण विभिन्न रूपों में होता है। आकाशवाणी की समाचार सेवा भारतीय और विदेशी श्रोताओं के लिए समाचार और समीक्षाओं का प्रसारण करती है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद या राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों पर विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग अपने विविध प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को विशेष महत्व देकर प्रसारित करता है। आकाशवाणी ने व्यावसायिक कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं। विविध भारती के चैनलों से व्यावसायिक प्रसारण किए जाते हैं। विविध भारती के अलावा अन्य चैनल और स्थानीय स्टेशन भी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए नियमित रूप से अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम भी प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं। संगीत और नाटक प्रसारण सूची के प्रमुख घटक हैं। आकाशवाणी ने 1988 में राष्ट्रीय चैनल शुरू किया था। ये रात्रिकालीन सेवा है। इसका प्रसारण शाम को शुरू होकर अगले दिन प्रातःकाल तक चलता है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। परिवहन और संचार के जाल, संचार तंत्र। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।